संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम पेड़े बना करके दिखाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगता है और कम सामग्री में फटाफट बन जाता है। चलिए हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। नारियल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, शक्कर और मिल्क पाउडर। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को हमने चला दिया है, तेज फ्लेम में कर दिया है और दूध इसमें चढ़ा दिया है और दूध को हम चलाते रहेंगे, अच्छी उबाल आ जाएगी। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ गई है, इसे हम गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। ये देखिए जितना हमने दूध डाला था उसका आधा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना पड़े, और चलाते रहेंगे बराबर से। गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे, इसको पूरा डाल देंगे इस तरीके से और बिल्कुल बराबर से चला देंगे इसको, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। जब तक इसकी गुठलियाँ अच्छे से फूट नहीं जाए, जब तक गैस को नहीं ऑन करना है। ये देखिए ये कैसे बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, मध्य आंच में इसको सेका है। ये देखिए बढ़िया गाढ़ा हो गया है। आप चाहे तो बाजार से मावा ला करके बना सकती हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये हमने एक प्लेट पे निकाल लिया है और इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, अब हम इसमें नारियल डालेंगे। नारियल को हमने काट करके और पीस लिया है। ये थोड़ा थोड़ा नारियल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल आटे की तरह ऐसे हाथ से इसको करेंगे, बराबर से मिलाएंगे। नारियल और मिलाएंगे, हमने इसको नारियल को पीस लिया है अच्छे से, इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे। अब शक्कर मिलाएंगे, शक्कर को भी हमने पीस लिया है। पीस करके ही शक्कर मिलाइए, ताकि अच्छे से मिल जाए वो, और अपने को कढ़ाई में नहीं मिलाना है, ठंडा होने के बाद ही शक्कर मिलाना है। अब शक्कर आप अपने हिसाब से कम हो या ज़्यादा डाल सकती हैं अपने स्वाद के अनुसार। इलायची पाउडर डालेंगे, हमने इसको कूट लिया है अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, हम कलर नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा मावा बनकर के तैयार है। अब हम हाथ में घी लगाएंगे और इसे ऐसे थोड़ी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे पेड़े के आकार की। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे, आप चाहें तो गोल बना सकती हैं। एक और तोड़ेंगे, सारे पेड़े बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे। अब हम इसमें इस तरीके से नारियल लगाएंगे, जो हमने नारियल का पूरा बचा लिया था। ये देखिए इस तरीके से लपेटेंगे बराबर से, और इसमें ये बादाम चिपका देंगे। आप चाहें तो इसमें काजू या पिस्ता लगा सकती हैं। ये बहुत जल्द बनने वाली मिठाई है, कोई त्यौहार हो, बच्चों को बर्थडे हो, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए ये हमारे पेड़े बनकर के तैयार हैं।